एक हसीन लम्हा और उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत पल जिसको हमने देखा ही नहीं बल्कि जिया है। जैसे हमने बिग बॉस सीज़न 13 में सडनास को एक साथ प्यार दिखाया, हमारी चाहत सडनास को एक साथ देखने की, मगर उसके बाद से हम काफ़ी ज़्यादा तरस गए थे। इनके दो प्रोजेक्ट्स भी आए मगर उसमें हमें तसल्ली नहीं मिली क्योंकि हमारा जो रोमांटिक सीन था वो देखना बाकी रह गया था। हम चाहते थे सडनास को ये वाले सीन में देखना, यानी कि रोमांटिक अंदाज में दर्शाना। तो वैसे ही ये प्यारा से क्यूट से मोमेंट जो बाहर निकल कर सामने आए हैं, जहाँ पर सद्दा शुक्ला शहनाज गिल के साथ में परफॉर्मेंस करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं पहले से ही। हालांकि सिद्धार्थ ने इसका ना रिहर्सल किया ना कुछ इसकी ट्राई की ना कोशिश की, बस डायरेक्टली उन्होंने शहनाज गिल के ऊपर चांस मारना शुरू कर दिया। और फिर क्या था, माधुरी दीक्षित के चेहरे के होश उड़ गए और जितने सारे वहाँ पर जजेस बैठे हुए थे, साथ ही साथ में कंटेस्टेंट्स या फिर ऑडियंस की बात क्यों ना करें, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई कि आखिरकार हम सडनास को पिछले 2 सालों में नहीं देख सके इस वाले सीन में, मगर आज हमें ये सारा सपना सच होता हुआ नज़र आया। वैसे ही हुआ कुछ यहाँ पर, सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज गिल को प्रपोज करने का नया तरीका अपनाया, यानी कि माधुरी दीक्षित वाला डायलॉग। हालांकि सिद्धार्थ बात में हिचकिचाए भी, मगर फिर भी सिद्धार्थ अपने अकॉर्डिंगली अपना पूरा 100% दे सके, जहां पर वो शहनाज गिल को अपने पास बुलाते रहे बुलाते रहे बुलाते रहे। और फिर क्या हुआ, सिद्धार्थ शुक्ला अचानक से हट गए। अगर बाय चांस नहीं हटते तो फिर डेफिनेटली हमें कुछ और ही मंजर देखने को मिलता, जो आजकल फैंस एडिटिंग कर अपना प्यार प्रेजेंट कर रहे हैं। वही वाली बात है कि हमारे फैंस को भी इतने सारे कंटेंट से सब्र नहीं मिलता और ज़्यादा वो एडिटिंग करने स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही हमें इस वाले सीन में एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। वैसे ही सडनास हमारे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हैं दोनों एक साथ एक फ्रेम में। अगर कहीं इनकी गलती से पिक्चर्स भी डल जाए तो वो हद से ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड होती है, वायरल होने लग जाती है, ट्विटर हैंडल पर इनके नाम का ट्रेंड चलने शुरू हो जाते हैं। मगर वैसे ही हमें डांस दीवाने में खुला खुला कंटेंट, जहां पर शुक्ला जी अपने प्यार को प्रेजेंट करते हुए नज़र आए। बिग बॉस में सिद्धार्थ ने अपने प्यार का खुलासा किया, मगर साथ ही साथ में डांस दीवाने के सेट पर सिद्धार्थ ने वो सारे रोमांटिक सीन दिखाकर काफ़ी सारे हेटर्स के मुंह पर ताला भी लगाया है जो कल तक गलत बोलते हुए नज़र आए थे। और उसके बाद आपको याद होगा कि रक्षाबंधन के बाद स्पेशल मौके में काफ़ी ज़्यादा शहनाज गिल को लेकर ट्रोलिंग भी की, मगर सिद्धार्थ ने एक प्यारा सा ट्वीट करके सारा क्लेरिफिकेशन दे दिया। वहीं फिर उसके बाद से लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, तरह तरह के पिक्चर्स क्लिक करने लगे, वीडियोस वगैरह बनाने लगे, काफ़ी एक हसीन मंजर ये हमें सब देखने को मिला। वाकई में ये सब देखकर एक सपना सा लगता है कि एक सपना हमारा सच हो गया हो। जैसे हम कहते हैं कि हम वैसे सपनों में बहुत कमी से मांगते हैं, मगर अगर मांगा हुआ हमारा कुछ पूरा हो जाए तो हम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लकी समझते हैं। तो आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा लकी हैं जो हम सडनास को एक साथ देख पा रहे हैं। अब ना जाने ऐसा मोमेंट कब आएगा।